फुल एंजॉय करते हुए दोस्तों जा रहे हैं भक्तगण। ये ऊपर पहाड़ चढ़ना है दोस्तों, पूरा फॉरेस्ट एरिया है सतपुड़ा के, बहुत सुंदर पर्वत, सुंदर वादियाँ जो पचमढ़ी क्षेत्र से लगा हुआ है। बस उतारने चढ़ाने के लिए से जो भी बन पड़े, जिससे भी व्यक्ति से जिसके पास ये वीडियो जाएगा, जो भी बन पड़े रस्सी नट बोल्ट एंगल जो भी बन पड़े, वो एक एक भी लाए तो भी इसके अपन काम करवा सकते हैं। जी बिल्कुल यादव जी, वीडियो के माध्यम नजारे देखिए दोस्तों, अति खूबसूरत जन्नत स्वर्ग। और कितने हाइट पे है ये भी देख सकते हैं आप लोग, अभी और चढ़ाई चालू है। ये देखिए दोस्तों, ये फाइनल चढ़ाई है यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम, हम पहुँचे हैं सतपुड़ा के पहाड़ों पे, चौरागढ़ और नंदीगढ़। अभी नंदीगढ़ है, ये पीछे मेला चालू है, महाशिवरात्रि आने वाली है 1 तारीख की है, तो ये चौरागढ़ का मेला रहता है, महादेव मेला जिसे कहा जाता है। अभी आए हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे दर्शन करने, पूरा फॉरेस्ट एरिया है पीछे आप देख सकते हैं, और ये भक्तगढ़ जा रहे हैं नंदीगढ़ के। अभी आइए दोस्तों और आगे आप लोगों को और भी दिखाते हैं, और जगह तक के पूरा दर्शन करवाते हैं, चलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये भक्तगढ़ दर्शन करके वापस हो रहे हैं। हर हर एक नमन गोरा पार्वती, हर बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये फुल एंजॉय करते हुए दोस्तों जा रहे हैं भक्तगण। ये ऊपर पहाड़ चढ़ना है दोस्तों, पूरा फॉरेस्ट एरिया है सतपुड़ा के, बहुत सुंदर पर्वत, सुंदर वादियाँ जो पचमढ़ी क्षेत्र से लगा हुआ है। गांव के जो कुछ लोग हैं उन्होंने ऐसी दुकानें भी लगाई हुई हैं। ये 10 दिन जो रहता है यही थोड़ा बहुत इनका कमाई का जरिया हो जाता है। अच्छा, मही है ये, शक्कर मिली हुई, जो लोग बहुत पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों महादेव बाबा की भक्ति में धुन, आका का गाइए। चले आ रहे हैं भक्तगढ़ दोस्तों, तो कहना पड़ेगा ना भैया कुछ थोड़ा सा। ओ भगत 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 सेवा भगत। हाँ विजय भैया, जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि हम सतपुड़ा के घने जंगलों में हैं, और हमारा गांव, हमारा क्षेत्र बहुत ही अच्छी जगह माना जाता है, और जहाँ की हम आए हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, और जिनका पहले दरबार कहा जाता है कि नंदीगढ़ है, जो उनके पहरेदार हैं, तो हम पहले उनके दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे महादेव के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और जिस तरह से हम एंजॉय कर रहे हैं, कभी आप आइए इस हसीन वादियों में और आप भी इस चीज़ का आनंद लें। ये बहुत बढ़िया जानकारी दिए विजय भैया ने, विजय यादव जी ने, दोस्ती। नजारे देखिए दोस्तों, इतने खूबसूरत वादियां हैं, देखिए दोस्तों। यहाँ पे एंजॉय करने के लिए सब अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, कोई बाजा लेके आता है, अलग अलग तरीके के बाजे लेके आते हैं, और फुल एंजॉय करते हुए ऊपर चढ़ाई करते हैं। नज़ारे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इतने खूबसूरत हैं ये सतपुड़ा के पहाड़, सतपुड़ा की वादियां हैं ये। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मक्के की रोटी, नड्डे और चटनी, यहाँ पे सभी यात्रीगढ़ जो हैं बढ़िया आनंद लेके खा रहे हैं। ये भैया की दुकान है, यहाँ पे इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं भैया, गरम गरम मक्के की रोटी, और सभी यात्रीगण बहुत आनंद लेकर के खा रहे हैं। जय हो, जय बोले, जय बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ये देखिए दोस्तों, ये सफ़र चालू है। यहाँ पे ये यहाँ से शुरुआत होता है पहली पायरी। अब यहाँ से चालू हो रहे हैं दोस्तों, चला ही चलना। और वो जो ऊपर जो दिख रहा है पिंडी जैसा, ये है दोस्तों, यहाँ पहुँचना है हम लोगों को। यह है नंदीगढ़। ए हरबोला रास्ता भी देख सकते हैं, पूरा पूरा देसी रास्ता है। ये देखिए दोस्तों, चढ़ाई बहुत ज़ोरदार तरीके की, चढ़े जा रहे हैं लोग, चले जा रहे हैं लोग नंगे पांव नंदी बाबा से मिलने, और आते भी जा रहे हैं लोग। अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई है धीरे धीरे। बने रहिए वीडियो पे, पूरा रास्ता तय करना है अपने को अभी। फुल एंजॉय करते हुए दोस्तों, पानी भी आने लगा है, अभी इतनी चढ़ाई बाकी है दोस्तों। ये दोस्तों ऊपर आ गए हैं, काफी 50% चढ़ाई चल ली है हम लोगों ने, और देख सकते हैं नजारा। ये ऐसी चढ़ाई है दोस्तों, बहुत सॉलिड मजा आ रहा है। और भक्तगढ़ चढ़ाई करते जा रहे हैं, और ये पहाड़ है दोस्तों बहुत खूबसूरत सतपुड़ा, और वहाँ पर पहुँचना है हमको। ये है दोस्तों नंदीगढ़, नंदी महाराज विराजमान है यहाँ पे। अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सतपुड़ा पहाड़ की खूबसूरती नज़ारे, और ये भगत लोग भक्तन लोग वापसी होते हुए दर्शन करके। नज़ारे देखिए दोस्तों, अति खूबसूरत, जन्नत स्वर्ग। और कितने हाइट पे है ये भी देख सकते हैं आप लोग, अभी और चढ़ाई चालू है करना है। आइए दोस्तों आपको आंसू भाई से मिलवाते हैं, आंसू खरे जी। अब इनके दो शब्द रहेंगे, सुनिए इनकी नीचे से अभी तक की जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, ये भी फर्स्ट टाइम आए हैं, सुनाइए सर। सेवा भगत दोस्तों, बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पे हम आए नंदीगढ़। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा अपना भूरा भगत भी दिख रहा है, चौड़ा गढ़ वो ऊपर दिख रहा है अपन को बढ़िया पूरा। आप नीचे का नज़ारा देखिए, हम पूरा यहाँ से चढ़ के पूरा इस तरफ आए हैं, और अभी और भैया आपको डेस्टिनेशन दिखाएंगे, वो डेस्टिनेशन दिखाइए भैया ऊपर जहाँ अपन को जाना है। हाँ जी दोस्तों, वहीं हमको जाना है बढ़िया तरीके से, और इसके बाद ऊपर के बाद चढ़ाई है। सेवा भगत धन्यवाद। ये भगत भी ऊपर से अभी यहाँ पे आ गए दर्शन करके, अब बस नीचे की ओर रवानगी कर रहे हैं। अभी चढ़े नहीं भगत तो ये ऊपर चढ़ाई चल रहे हैं अभी। हाँ चला, धन्यवाद भगत। ठीक है भगत, सेवा भगत। व्यू इतने प्यारे हैं दोस्तों, आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों अगर आप ये मतलब इस जगह पे एक बार चढ़ गए ना। हालांकि थोड़ी कठिन रास्ता है पर ठीक है, एक बार ऊपर चढ़ने के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम इतने थके हुए आए हैं ऊपर से। ऊपर का व्यू एक नंबर ही है, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, स्वर्ग है दोस्तों पूरा। ये यहाँ पे चढ़ना है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ऊपर से नीचे तक ये लोग बाग ऊपर भक्तगढ़ जो है वो चढ़ाई चालू है कर रहे हैं। अभी चलिए दोस्तों, अभी अपन आगे की ओर बढ़ते हुए फिर आपको ऊपर दर्शन करवाते हैं। देखिए दोस्तों नज़ारा, देखिए नज़ारा, ये ऐसी चढ़ाई है यहाँ से दोस्तों, साइड में कोई सपोर्ट नहीं है, और नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे एक गुफा भी है दोस्तों, अब जानवर की है कि क्या है वहाँ पे अपन चल के देखते हैं।
यहाँ से भी नज़ारा देख सकते हैं। अंदर पूजा पाठ का स्थान है और गुफा भी बहुत शानदार है। ये है दोस्तों गुफा अंदर से पूजा पाठ का स्थान। ये भक्तगढ़ चढ़ते जा रहे हैं। सेवा सेवा भैया। ये है नंदीगढ़ का रास्ता पूरा। आनंद आ रहा है दोस्तों बहुत ज्यादा। चढ़ाई देख सकते हैं आप लोग, बस करीब ही है। अब नंदी महाराज जहाँ पे विराजमान है उनके दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। और वहाँ का रास्ता कैसा है ये भी देखिएगा। ऊपर जोरदार सीढ़ियाँ हैं जिसको पार करके ऊपर चढ़ना है, तब फिर नंदी महाराज के दर्शन होंगे। चलिए फिर चलते हैं आगे, फिर आपको दर्शन करवाते हैं। जा भाऊ कहीं गई ना है। भैया फेस करिए इधर। आशू भैया अच्छे से फेस करिए। आशू भैया फेस अच्छे से करिए। भैया 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 भरत भैया हाँ आप आशू भैया भाई एक बार इधर देखो। ये देखिए दोस्तों ये फाइनल चढ़ाई है यहाँ से। और यहाँ आने के बाद में ये है नजारा यहाँ का बहुत खूबसूरत स्वर्ग। फुल एंजॉय करते हुए यहाँ पे भक्तगण। और अब यहाँ पे यहाँ से ये ऐसा चढ़ना है ऊपर। ये चढ़ रहे हैं भक्तगण देख सकते हैं करीब से सब एक के ऊपर एक। और ऊपर बैठे हुए हैं नंदी महाराज। ये देखिए दोस्तों ये चढ़ाई चालू है। अभी ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों, फिर आपको दिखाते हैं ऊपर, मिलवाते हैं नंदी महाराज से। नज़ारा देखिए, नज़ारा कितना खूबसूरत है नंदीगढ़ का। करीब से दिखाते हैं दोस्तों आपको। और वहाँ त्रिशूल है, बाण रखे हुए हैं वहाँ पे, वहीं साइड में विराजमान है नंदी महाराज। और ये सीढ़ियों को ऐसा चढ़ के जाना है। और ये रस्सी जो टंगी हुई है यहाँ पे, ये सामग्री नीचे से ऊपर ले जाना लाना होता है, तो इससे ऊपर नीचे करते हैं। यहाँ के नज़ारे देखिए, अभी ऊपर चढ़ के और दिखाएंगे दोस्तों आपको।
ये देख सकते हैं दोस्तों, हम ऊपर चढ़ गए हैं। यासु भाई और यादव जी ये दोनों आ रहे हैं और ये है नंदीगढ़ महाराज। कभी भी तुम यात्रा हर साल आती हो? हाँ, हर साल दस हर साल काम करा करो। तुम जितना तुम्हारा मंडल है, या दुकान भी देना करो, या जल्दी खाली हो जाए। यहाँ से नज़ारे भी देख सकते हैं, कितने प्यारे सतपुड़ा की वादियाँ, पर्वत काफी हाइट में है दोस्तों। डाल दो पेटी में, डाल दो। तो यासु सर भी आ गए हैं, कैसा फीलिंग आ रहा है, कैसा लग रहा है? फीलिंग ऑसम ब्रो, आई हैव नो वर्ड्स टू से, इट्स वेरी रिस्की एंड आल्सो वेरी एडवेंचरस। अभी अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं सर। आप सीढ़ी दिखाइए उनको पहले वीडियो में। दिखाए। सुदामा रणदीप को लगा दे, रणदीप को। ओए सुदामा रणदीप को लगा दे पीछे, रणदीप को। ये यादव जी भी आ ही रहे हैं। कौन है भैया यादव जी? ये सुदामा रणदीप को लगा दे, रणदीप को दूर से। अच्छा आप यादव जी हो? यादव जी। अच्छा दोस्तों, ये भैया सेवा समिति से हैं। भैया आपका शुभ नाम बताइए। भैया मेरा नाम शुभ नाम अतुल यादव है। अतुल यादव जी, यहाँ पे ये पूरी समिति है इनकी, यहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सेवा देते हैं अपनी, और इनकी पूरी टीम है यहाँ पे जो यहाँ की देखरेख करते हैं। अब यहाँ के विषय में थोड़ा यादव जी के मुंह से कुछ जानेंगे अपन। भैया यहाँ तो जब से मैं आज जन्म लिया हूँ, जब से आज मुझे 10 साल का था, जब से ठेका ले रहा हूँ यहाँ का, जब से आज तक जैसा का तैसा मंदिर, जैसा वैसा ही है, नेचुरलता इसे कहते हैं जी, मतलब कहीं कहीं नेचुरलता बनाई गई है। और ये जगह ऐसी नंदीगढ़ जो चारों तरफ से पहाड़ियों में ढकी हुई, जंगल घटी हुई, सबसे ऊँची चोटी है। यहाँ 40 से 50 फीट की सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ने के लिए इंसान की हालत खराब है, फिर भी ये नेचुरल जैसा का तैसा वैसा ही बना है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज मेरी 35 साल की उम्र है, 35 साल में इसको देखते देखते ऐसे ही हो गया हूँ, और हर साल इसका ठेका मैं ही लेता हूँ जी। हम चाह रहे कि कुछ सरकार तरफ से थोड़ा बहुत सुधार हो, जो भी सुविधा मिले अपने को सरकार तरफ से अच्छा हो जाए। नहीं, और ये भी सुने कि यहाँ पे लोग तो चाहते हैं सुविधाएं, लेकिन यहाँ पे जो नंदी महाराज और जो बाबा जी हैं, महादेव बाबा, ये नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की ज्यादा अच्छी सुविधा मिले। नहीं, ये भी सुने कई लोगों ने, ऐसा बोला गया है कि चौड़ागढ़ में जो सुविधा है वो यहाँ बने, कई लोगों ने ऐसा बोला गया, सोचा भी गया है, लेकिन वो जगह एक जो है वो बड़ी हो गई है, फैलती हो गई है, ये जगह बहुत ज्यादा छोटी हो गई, इसको डेवलप नहीं कर पा रहा है। और यादव जी एक बात और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सुने कि आकाशवाणी भी हुई है इसके पहले? हाँ हुई है, कि यहाँ पे जो इसके पहले वो रो वगैरह बनने वाले थे, कुछ एक झूला बनने वाला था चौड़ागढ़ मंदिर से डायरेक्ट नंदीगढ़ जी, तो वो झूले का सैंक्शन हुआ जरूर था, लेकिन बीच में रोक लग गई, 2 बार उसका सैंक्शन हुआ लेकिन दोनों बार रोक लग गई, नहीं तो चौड़ागढ़ मंदिर से नंदीगढ़ तक झूला बनने वाला था, यहाँ से व्यक्ति डायरेक्ट चौड़ागढ़ जाएगा, चौड़ागढ़ से यहाँ आएगा डायरेक्ट जी, लेकिन उसमें कोई प्रकार की रोक लग गई तो बन नहीं पाया अभी। बाकी बहुत अच्छा काम करते हैं आप। बाकी हमारा ग्रुप 30 लड़कों का है जी, पूरी आप लोगों की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, तो रात के 2 बजे से लेके जितने समय मेला चढ़ जाए उतने समय आपकी सेवा में लगे हैं जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा योगदान रहता है आप लोगों का, आप लोगों की टीम का, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, और बहुत सही जानकारी और बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। और ये काका जी है दोस्तों, कृपा सबके ऊपर बनी रहे, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सबकी बनी रहे और आगे लेते रहे। जय हो काका जी। जी बस उतारने चढ़ाने के लिए से जो भी बंद पड़े, जिससे भी व्यक्ति से जिसके पास भी वीडियो जाएगा, जो भी बंद पड़े, रस्सी, नट, बोल्ट, एंगल, जो भी बंद पड़े, वो एक एक भी लाए तो भी इसके अपन काम करवा सकते हैं जी। बिल्कुल यादव जी, वीडियो के माध्यम से कुछ बातें रखना चाह रहे हैं तो दोस्तों उसको सुनिए, और आपको लगता है तो बिल्कुल यहाँ पे योगदान आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के, जो भी जिससे जो भी सुविधा बने, रस्सी की, सीढ़ी की, नट की, बोल्ट की, वो यहाँ देने की कृपा करें। जो भी आता है, एक नट डाल के 50 रुपए का खरीद के ले आए अपन ने, तो वो नट सीढ़ी में लग जाए तो वो सीढ़ी की मरम्मत होती रहेगी,
या कोई बनता लोहे वाला तो भी एक सीढ़ी का पाया ला के दान कर दे या रस्सी ला के दान कर दे, अदर चीजें जो भी उसकी श्रद्धा में है। यहाँ पे जैसे आते हैं तो यादव जी से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं आप। आप मेरा नंबर नोट करना चाहें तो 8989181299। तो यादव जी का ये फोन नंबर है, इच्छा अनुसार जो दान करना है वो कर सकते हैं यहाँ पे, आपकी श्रद्धा अनुसार बिल्कुल। संत करे 1 रुपए से लेके जितना जो इच्छा वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोन कॉल कर सकते हैं आप, नंबर आपको ये नीचे स्क्रीन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आपको और नीचे का दृश्य दिखाते हैं। यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। नंदी महाराज की जय। एक नमन गोरा पार्वती और बोला हर हर महादेव।